जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे सचिन और आशीष ने राजेंद्र को बेइज्जत किया और राजेंद्र ने अपनी बेइज्जती का बदला सचिन और आशीष को मार कर लिया, और इसमें उसका साथ शशांक ने दिया जो कि सचिन और आशीष का खास आदमी था। पर वीडियो के एंड में हमें देखने को मिला कि शशांक को किसी अनजान आदमी ने पटरी के पास मार डाला। और अब आगे अरे बॉस, आप परेशान क्यों हो रहे हो? वैसे भी हमने सचिन और आशीष को मार ही दिया है, और जो ये आदमी है इसको भी हम देख ही लेंगे। तुम समझ नहीं रहे हो, वो पक्का सचिन और आशीष का आदमी है। जो सुशांत को मार सकता है वो हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा तो बॉस आप बताओ क्या करना है। पेड़ हम काट चुके हैं, बस अब उसकी जड़ उखाड़नी बाकी है। मतलब कि हमें और वक्त जाया नहीं करना। अगर वो उनका आदमी है वो उनके घर पर ही मिलेगा। तुम अभी जाओ और आज की रात उसे खत्म कर दो। नहीं बॉस, ये मौका मुझे दीजिए, उसे तो मैं खत्म करूंगा। ठीक है, तुम जाओ और अपने साथ एक बंदा और ले जाओ। अतुल, तुम यही रुको। आराम से, साला अंदर ही होगा। अगर आवाज सुन लेगा तो चौकन्ना हो जाएगा। हाँ हाँ, दिक्कत मत ले, आज बचेगा नहीं साला। चल ओए, आराम से। अबे ये तो लंगड़ा है बे, ये क्या फाड़ देगा हमारा? खाम खा बॉस परेशान होते, ला दे इसे, मैं ही खत्म करूं। ए, मैं कह रहा हूं आगे मत बढ़, कह रहा हूं ना आगे मत बढ़। देख मेरे पास मत आ, तेरे से डरता नहीं हूं मैं। देख चाकू है मेरे पास, दूर रह। बॉस, बॉस क्या हुआ, इतना घबराया हुआ क्यों है? तू तो मारने गया था, क्या हुआ, काम हुआ कि नहीं? बॉस वो जिंदा है। जिंदा है? कौन जिंदा है? सचिन जिंदा है बॉस। क्या बकवास कर रहा है, वो तो मर चुका है, मैंने इन्हीं हाथों से उसको मारा है। नहीं बॉस, वो मरा नहीं है, उसने अंकुल को भी मार दिया, अब वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। तुझे कोई गलत फहमी हुई है, अगर ये बात गलत निकली तो तू जानता है तेरा क्या इलाज होगा। नहीं बॉस, उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो सच्ची ही है। अगर वो जिंदा है तो जरूर बदला लेगा, हमें इसके लिए कुछ जरूर करना होगा। बॉस कुछ सोचा क्या करना है सचिन का? हाँ मैंने सोच लिया है क्या करना है, हमें उस पर नहीं उसकी कमजोर कड़ी पर हमला करना है। कमजोर कड़ी? वो क्या हो सकती है? ये तुम मत सोचो, ये सोचना मेरा काम है। एक बार वो कड़ी हाथ लग गई तो उसे मारना बहुत आसान हो गया।
ओके बॉस, जैसा आप बोलोगे हो जाएगा। होना तो उन्हें यही चाहिए था, लेकिन है कहाँ ताले? यही होंगे, देख। ओह शिट, राजेंद्र के आदमी। अभी बैठो जल्दी। ओरे भाग रही है साली, पकड़ पकड़। अबे भाग गई, गाड़ी का है। ओरे निकाल निकाल, जल्दी निकाल। तो क्या कर रहा है, जल्दी भगा ना साली, आज बचनी नहीं चाहिए, जल्दी भगा। अबे अंधा है क्या? माफ करना साहब, गलती हो गया। साले इसकी वजह से लड़की निकल गई, बॉस को क्या बोलेंगे? बहुत देर हो गई, लगता है वो पीछे रह गए। पर हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। सही बोले वो, निकलते हैं। अब ये कौन है? सचिन भाई। सचिन, तुम जिंदा? मुझे तो लगा तुम, और अगर तुम ठीक हो तो इतने दिनों तक कहाँ थे तुम? देखो लंबी कहानी है, समझाना पड़ेगा, अभी घर चलो। सिराज ठीक है भाई। देखो ये मीटिंग इम्पोर्टेंट है और हमें बहुत ध्यान रखना है, बहुत चौकन्ना रहना है हमें, क्योंकि अभी सचिन का खतरा हमें बना हुआ है, समझे तुम लोग? हाँ ठीक है सर, आप फिक्र मत कीजिए। कहाँ है तुम्हारा बॉस? बुलाओ उसे। अरे आ रहे हैं भाई, इतनी जल्दी भी गया? देखो मैं यहाँ बहुत रिस्क लेकर आया हूँ, जरा जल्दी मीटिंग कराओ। हमारे होते हुए कैसा रिस्क? राजेंद्र साहब, साले तुझे मैंने अपने हाथों से गोली मारी थी, तू बच कैसे गया? मैं कैसे बचा ये जरूरी नहीं है, अब तुम कैसे बचोगे ये जरूरी है। पिछली बार मैंने तेरी बॉडी को छोड़कर ये गलती कर दी थी, पर इस बार तेरी बॉडी के इतने टुकड़े करूंगा कि जुड़ना नामुमकिन हो जाएगा। की कमजोरी मुझे पता है, इसका ध्यान भटका, बाकी मैं देख लूंगा। अब क्या करेगा? पिछली बार का याद नहीं क्या? तेरी तू
नामुमकिन। तू तो इतना ही आंख से अंधा था ना? अंधा था पर मैं नहीं, मेरा भाई। देखो अब काम बढ़ गया है तो टाइम आ चुका है काम बांटने का। और वैसे भी तुम काम सीख चुके हो तो यहाँ का सारा काम अब से तुम दोनों संभालोगे और मैं जा रहा हूँ सिंगापुर वहाँ काम देखने। जी भाई हो जाएगा। और हाँ एक और बात, हम दोनों हमशक्ल हैं, ये हमारी कमजोरी भी है और ताकत भी, तो भूल से भी ये बात किसी को मालूम ना पड़े। ठीक है भाई। देखो प्रीत, तुम जो मुझे समझ रही हो वो मैं नहीं हूँ। एंड आई एम सॉरी मुझे कहना पड़ रहा है पर सचिन मर चुका है, वो दोनों मर चुके हैं। सचिन और आशीष मेरे लिए काम करते थे और मुझे बहुत अफसोस है कि मैं उन्हें बचा नहीं पाया, पर मेरा ये वादा है कि उनकी मौत का बदला मैं लेके रहूँगा और वो राजेंद्र वो बचेगा नहीं, उसके पास अब बहुत कम दिन बाकी है, मरेगा वो। तू उसका भाई है? तुझे क्या लगा तू मेरे भाइयों को मार देगा और तू बच जाएगा? उनका बड़ा भाई वापस आ गया जो उनकी मौत का बदला लेगा। देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। मेरे पास बहुत पैसा है पर मुझे मारना मत मुझे। तेरा पैसा उनको वापस ला पाएगा? गाइस होप करता है आपको दोनों के दोनों पार्ट बहुत पसंद आए होंगे। तो गाइस इस वीडियो को प्यार दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। एंड इंस्टाग्राम की लिंक आ रही होगी, फॉलो करो। और मिलते हैं आपको फिर अगली वीडियो में। ठीक है, बाय।